Ahmed Jahanzeb, sir, what's happening? Sir, कहाँ से आया अल्लाहु अकबर एंड रेज मतलब क्या खूबसूरत पीस है. आई थिंक ये गॉड सेंट ही है, वहीं से आया है. एंड मतलब आई एम सिंकिंग इन एवरी डे विद द फीलिंग के गॉड इज रियली ब्लेस्ड मी एवरी स्टेप ऑफ द वे. बड़ा अपने आप को ब्लेस समझते हैं कि खुदा ने हमसे ये काम करवाया, क्योंकि ये खुश नसीबों को मिलता है, ये इस तरह होता नहीं. एक्सलेंट. कहाँ हैं आप? कहाँ हूँ मैं? कहाँ हैं आप सर? मैं तो आपके चरणों में हमेशा. कहाँ थे? कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या क्या हो रहा है? बीच में मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था. आई कुडंट लीव म्यूजिक. मेरे साथ किसी ना किसी OST के थ्रू या बैकग्राउंड स्कोर के थ्रू मैं अपने आप को लिंक रखता था म्यूजिक के साथ, बट सोलो करियर से मैं बहुत दूर जा चुका था. तो मैंने फिर सोचा कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई वाज बोर्न फॉर. एंड यू नो माय फादर एज यू नो ही ऑलवेज सॉ मी एज अ वंडर बॉय, ही वांटेड मी एट दैट पॉइंट. तो वो फिर दिल में कहीं ना चीज़ें घूमती हैं. आपको सोने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद आती हैं कि यू नो. तो आई थिंक वो एक अंदर दिल में मोटिवेशन थी, आई थिंक विच ब्रॉट मी बैक, एंड आई एम बैक फॉर गुड इंशाल्लाह. किसी पॉइंट पे क्या ये फीलिंग या ये सवाल दिल में है, डू यू फील बिट्रेड बाय द इंडस्ट्री? लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, डू यू फील बिट्रेड? आई डोंट फील बिट्रेड राइट नाउ बिकॉज थिंग्स हैव रियली वर्क्ड फॉर मी. एंड नहीं यार, मैं आपको सही बताऊं, लेकिन कभी लगा? बिल्कुल लगा कि यार ये बिल्कुल लगा टाइम अच्छा नहीं किया मेरे साथ. बिल्कुल नहीं अच्छा. तो खैर मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे जब मैंने कहो एक दिन लॉन्च किया था, उस वक्त नॉमिनेशन में आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट सॉन्ग वाज सो बिग, एंड स्टिल आई वाज इन गेटिंग अवार्ड्स, एंड आई वाज इन यू नो आई वाज इन गेटिंग द राइट एप्रिसिएशन. अदर पीपल हु एक्चुअली हैड नथिंग वर गेटिंग. उसका पैसे से ताल्लुक नहीं, दर्द तो होता है कि काम मेहनत सर, वो तो फीलिंग है, बट पूरी दुनिया कह रही है कि बेहतरीन काम है. वो है, वो अंदर सोहेल भाई है, बट यू फील बिट्रेड. या कहते हैं आंखों के सामने रहोगे तो यही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. सर ऐसा ही है. और प्लस ये देखिए ना, मैं ये कहता हूँ कि इंडिया में मुझे सुनीति चौहान का या मुझे अपना शंकर महादेवन का या किसी का भी अगर एक मैसेज भी आता है कि यू नो आई एम लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स व्हेन आई वेक अप एंड व्हेन आई गो टू स्लीप, दिस इज मोर देन इनफ फॉर मी. आई डोंट नीड टू गो डिस्टेंसेस टू प्रूव माई सेल्फ. दिस इज इट. Have you been reckless? Have you been irresponsible? Yes. You were? Yes. Why? What happened? I was... You were like... Yeah. It. And I feel... I was doing wrong things on the wrong time. You were reckless. Yeah. Totally. So, music chodke main achanak football bana raha hu. Aap sochenge koi taluk hi nahi hai uska kisi cheez se. Kyun kar raha hu? Kya hua? Bas I think it's my soul. Which is like that कि मतलब मुझे ये लगता है कि यार मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह भी कभी कभार रहना चाहिए और मैं दोस्त यार बनाता हूँ. बट यू नो दे आर सम ट्रैक्स इन लाइफ विच आई डोंट वॉन्ट डिस्क्लोज ऑन एनी ट्यूब. बट इट्स जस्ट दैट कि यू नो यू टेंड टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम इट एट टाइम्स. माई फादर व्हेन ही पास्ड अवे आई थॉट कि माई वर्ल्ड इज एंडेड. यू नो तो मुझे That's what everyone felt. Yeah. कि यू नो आई ब्रोक डाउन बिकॉज ऑफ दैट रीजन. इन येस It was very hard for me. But my father's upbringing is the thing which got me back into, because in back of that, every single word is there, you know, it's there. It teaches me every second, you know, कि वो मुझे बोलते हैं 10 रुपए में कैसे खुश रहना है, 10 लाख में कैसे खुश रहना है, जब नहीं है तो फिर उसके लिए कैसे स्ट्रगल करनी है. और अपने आप को जीरो ही समझो, ये ना समझो कि तुम्हारा नाम हो गया तो तुम कुछ बन गए हो या तुम कुछ आज हो. अहमद जहांजेब happily single, heartbreak, शादी, तो मसला है ना. क्या चल रहा है? इस चीज ने बड़ा तरसाया भाई, इस चीज ने मुझे बड़ा दूर किया. हैप्पीली सिंगल हैप्पीली सिंगल ही मेरे ख्याल से मेरे लिए आई थिंक मैं आई कांट सूट करता है. आई कांट अफोर्ड दैट बॉस. मुझे लगता है मैं बहुत दूर, बिकॉज उतना कंपैटिबल कोई है नहीं जो मुझे लगता है कि जो मुझे समझ सके और बहुत इजीली फ्री हैंड दे के यार म्यूजिक क्या चीज है मेरे लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है. इसलिए कि आप मुश्किल आदमी है? सर मैं नहीं कहीं से मुश्किल, मैं सीरियसली बताऊँ मैं मुश्किल नहीं हूँ. बट ये कि मुझे ये लगता है आई नो आई लव माई वाइफ मतलब टिल माई लास्ट ब्रेथ एंड आई लव लाइक एनीथिंग. बट द थिंग इज दैट आई नीड दैट अंडरस्टैंडिंग. सुन लीजिए भाई, आपको सुनने वाले हैं. आई नीड दैट अंडरस्टैंडिंग क्योंकि शायद मे बी बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसिस आई डिडंट गेन एनीथिंग फ्रॉम इट. मतलब आई वॉज लूजिंग अ लॉट फ्रॉम इट. एक फीलिंग होती है कि आपको लगे कि अगला इंसान जो है वो है, और वो सिर्फ इधर उधर नहीं है, वो है कि मैं यहाँ हूँ, डोंट वरी. काला हो, पीला हो, नीला हो, अच्छा हो, बुरा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, डजंट मैटर. वो आपको नहीं मिला. एक से जो दो का फिगर है ना, हाँ.
कि आप फिर हर डिसीजन हर चीज़ आप हाथ उठाते उठाते आप वहीं रुक जाता है कि आपको नहीं अब लेना है तो दो लेनी है चीज़ें। इंडियन सागा क्या था, दी एंटायर चैप्टर और इंडिया जाना और गलत टाइम पे जो डिसीजन गलत डिसीजन था, प्लस ये कि मैं जिस कंपनी के साथ साइन था ना उसने मुझे जिस प्रोड्यूसर के साथ जोड़ा वो प्रोड्यूसर के साथ मेरा किसी तरह की कोई केमिस्ट्री नहीं थी। मैं समझता था कि यार अगर इसकी जगह कोई सलीम सुलेमान टाइप का आदमी होता या कोई और होता कोई तो रूहानी आदमी कोई रूहानी होता तो शायद यू नो बिकॉज फॉर हिम आई वाज अ सिंगर एंड ही वाज अ प्रोड्यूसर, तो वो बस इट वाज नॉट द राइट टाइम और मैंने गलत डिसीजन लिया उसके साथ एंड रिग्रेट्स ये भी नहीं है क्योंकि वो आया और चला गया, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मेरी जिंदगी में छाप बन के रह गई हो, वो आई जितनी जल्दी उतनी जल्दी फेड आउट भी हो गया। वापसी का कोई इरादा कोई रास्ता कोई सर सब खोले अब तो आफ्टर अल्लाह अकबर गॉड हैज रियली ओपन नॉट डोर्स अगेन फॉर मी डूइंग एनीथिंग यस ब्रो मैं अभी बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं कहता हूँ कि यार मैं जब तक खुद सामने हो ना जाए ना अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें होती नहीं है नेचुरल है कभी कभार मैं कहता हूँ फिर वो हो नहीं पाती उस टाइप की तो होने दें और फिर जी इस वक्त हम लोग करंटली कहाँ खड़े हैं खासतौर पर फिल्म म्यूजिक की फिल्म हिट गाने क्यों नहीं बन रहे। एक जो डायरेक्टर है उसकी और म्यूजिक डायरेक्टर की जो एक केमिस्ट्री है ना वो बीच में मुझे लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं लैक करती है किसी ना किसी चीज़ में क्योंकि या तो डायरेक्टर उतना केपेबल नहीं है ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट म्यूजिक शुड बी इवेंचुअली क्या होना क्या चाहिए। अभी सिर्फ वही क्या फ्रेम को खूबसूरत कर दो कलरफुल कर दो यू नो थोड़ा ब्राइट कर दो वाला चक्कर है कि यू नो आप बस आप अपनी चीज़ को देख रहे हो आप ओवरऑल एज ए पैकेज नहीं देख रहे। मैं अभी तक जितनी मूवीज़ देखने गया हूँ पाकिस्तानी मुझे देख के कोई वाव फैक्टर खड़ा ही नहीं हुआ कहीं से कि यार मैं कहूँगा यार उफ आई एम ब्लोन अवे कि ये क्या हुआ है। बट ये कि या इन अदर 5-6 ईयर्स आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर बट इन दैट मैनर वी हैव टू ओवरऑल द सिस्टम हैज़ टू गेट बेटर कहीं से कोई टेंशन ना हो या एक अल्लाह माफ़ करे कोई बैड खबर जो है ना वो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर ऐसी झाग की तरह बैठती है कि फिर वी आर लाइक क्रिपल्स। ये मुझे समझाएं कि ये क्या है, भले दो लफ्ज़ों में समझा दें, एवरीवन वांट्स अ बिग साउंड लेकिन उसकी विजुअल इतनी सी। सर मैं आपको बताऊँ ना कौन डायरेक्टर बन गए, वो डायरेक्टर बन गए जिन्होंने जिंदगी में डायरेक्टर का डी नहीं समझा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि यार मेरा ड्रामा बनाना है यार चलो यार मैं ड्रामा बनाता हूँ यार चलो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत अब डायरेक्टर बन के बैठ गए। ऐसा ही हो रहा है कि जो जो हमारे बल्कि पूरे मुल्क का सिस्टम के साथ ये प्रॉब्लम है, गलत जगहों पर गलत लोग बैठ गए आके। आप और मैं अगर कोई काम करेंगे ना तो मैं अगर टिंग करूंगा ना तो आपको उसकी आस का पता है कि कितनी देर की रहेगी, इस आस में कितने फ्रेम्स आप दिखा सकते हैं और किस किस तरीके से दिखा सकते हैं। हम लोग बात करते हैं वो क्लॉकवर्क ऑरेंज की बात करते हैं और ये उसकी बात करते हैं और उसकी बात करते हैं। सर ये लोग डायरेक्टर्स थे जिन्होंने म्यूज़िक के साथ इंसाफ किया है, ये ऑगस्ट रश हो गया ये टाइप की मूवीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं, बड़े हुए हैं हम लोग डायरेक्टर्स हैं। और अब हर जगह यही हो रहा है कि उतना ही डिटेल जो जो कचरा है ना वो साफ़ हो जाता है, वो ये रहा है कि हमारे मुल्क में अभी कचरा भरा है तो कचरे को जरा सा साफ होना जरूरी है, उनमें से कटते हैं खुद ही गिरेंगे जब, लेकिन वो साफ हो रहा है। हाँ वही साफ हो और उसमें चीज़ें निकल रही। एग्जैक्टली आप जैसे लोगों को और भी दो तीन नाम लूँगा जामी जैसे लोग हो गए, इन लोगों को आना चाहिए बिग फिल्म मेकिंग के अंदर बैठना चाहिए एक के बाद एक बस। ये आपसे अगर मैं यही सवाल आपसे नाराज हो जाते हैं नहीं सवाल का जवाब ब्लंट बात करते हैं ना हम ब्लंट बात सुनने की आदत नहीं रही आदत नहीं है थोड़ा सा उसको शुगर कोटेड करना जरूरी है। बहुत अच्छा किया हाँ बहुत बड़ा अच्छा वेरी नाइस वो है अच्छा। सो वो हमारा जो प्रैंक्स्टर अहमद जहांजेब वो कहाँ है वो है शरारती अव्वल नंबर शरारती आई थिंक वो जो एक एक है ना एक एक चर्पी सी एक एक अंदर एटीट्यूड और सारा लोगों के साथ मुझे लगता है कि यार लाइफ इज टू जस्ट इन्जॉय एंड हैव फन यार मैं क्या लेकिन आपको इसका फ्लिप साइड पता ना लोग कहते हैं ये जो ये प्रैंकस्टर और ये हंसी और ये जो है हाँ। और ये अजीब बात है लोग ये मेरे बारे में भी कहते हैं उनके अंदर काफ़ी कुछ तो सर वो एंड ऑफ द डे हम सफर कर रहे हैं ना कोई टेंशन नहीं आप लोग खुश हैं यार हाँ सामने वाला खुश रहे हाँ बस वो खुश रहे यार हमारा खैर है हम लोग तो फिर मूडी है ना कभी भी। वर्स्ट मेमोरी इन द इंडस्ट्री इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स वर्स्ट मेमोरी एक कोई एक चीज के यार ये मुझे बड़ा बुरा लगा। सर बुरा लगने में मैं आपको इतना एक चीज बता सकता हूँ मैंने अनवर साहब की एक शायरी गाई हाँ अभी दिमाग में ऐसी आया तो मैंने शायरी गा दी और मैंने वो गाना जो है ना वो मार्केट में चला भी गया और वो चल भी गया मतलब एक मेलेडी थी मेरी बरसों के बाद देखा एक शख्स हाँ, वाह क्या बात है हाँ। अब वो अनवर साहब की है अपना लिरिक्स
اچھا میں گا کے آ گیا ہوں تو وہ سات آٹھ دس دن کے بعد نا مجھے ٹینا جی کا بھی فون آتا ہے کہ یار واز ویری نائس واز ویری نائس اچھا اب انور صاحب کا جب کال آتی ہے نا تو مجھ سے تو پہلے وہ شروع ہو کہ جناب آپ کو اردو کتنی آتی ہے میں نے کہا سر آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ نے مجھے اسی ڈائلاگ پر آپ نے اسی ڈائلاگ پر مجھے آپ نے تو کہنا ہے آپ نے انترے میں کچھ ایک بات کہی ہے وہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی آپ نے کیا کہا ہے تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ دوسرا انترا ہے کیا تو میں نے کہا وہ آبرو کچھے کچھے سے آنکھیں جھکی جھکی آبرو ہاں وہ ابرو ہے ابرو کھینچے کھینچے آپ سمجھ رہے پورا عنوان ہی چینج کر دیا وہ چل بھی رہا ہے اور لوگ سن بھی رہے ہیں سو ابرو اور ابرو تھا زمین آسمان کا فرق ہے ابرو عزت ہو گئی ابرو آنکھیں ہو گئی تو کہنا کہ آپ نے یہ چینج کر کے گا دیا آپ کو کہنا چاہیے تھا بھائی آنکھوں میں بھی عزت ہوتی ہے اس کے بعد مجھے میں اتنے دن تک اتنا آف رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہیں مطلب لائف میں میں آپ کو سیریسلی بتاؤں میں اتنا زیادہ دل برداشتہ نہیں ہوتا بٹ دیٹس ویری آنیسٹ آف یو کہ آپ نے یہ اکنالج کیا اور آپ نے نام لے کے کہا کہ انور صاحب نے ڈانٹا تو آپ کو جی جی وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا مطلب میجر کریکشن کے لیے اچھا شاید مجھے ایسا لگا ہے کہ لوگوں نے اوور ہرٹ کر دیا اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں دیکھا بٹ وہ بہت ہی کلیئرلی واز اے آبرو مجھے بھی اب ویگلی یاد آ رہا ہے فونڈسٹ بیسٹ میموری یہ وہ کیا میں کہو ایک دن کو یہ نہیں بھولتا سیریسلی آپ کی یاد یہ نہ کریں وہ والا ایرا باس اٹ واز سو نائس وہ گلوریس ٹائم تھا سر واز فینٹاسٹک تو بہت بڑا مزہ آتا تھا بہت احمد تھینک یو سو مچ فار کمنگ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور آئی جسٹ ہوپ دیٹ آئی گیٹ ٹو سی مائی احمد جہانزیب ویری سون سر آل دی ٹائم تھینک یو سو مچ